दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको LIC एजेंट की विजिटिंग कार्ड को डिजाइन करना सिखाएंगे। फोटोशॉप में आप बड़े ही आसानी से आज सीख जाएंगे कि किस प्रकार से किसी भी प्रकार की विजिटिंग कार्ड को डिजाइन किया जाता है। आज का टॉपिक है कि LIC एजेंट का विजिटिंग कार्ड आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फोटोशॉप में चले आना है। यहाँ पर हमारे पास फोटोशॉप का 7.0 वर्जन है, तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल में जाएंगे, न्यू में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपको साइज सेलेक्ट करनी है जिस साइज में आप अपना विजिटिंग कार्ड को डिजाइन करना चाहते हैं। यहाँ पे विडिट और हाइट में आपको इंच सेलेक्ट करना है और हाइट में आपको यहाँ पे 3.5 सॉरी विडिट है और हाइट में आपको 2 इंच ले लेना है। उसके बाद रेजुलेशन आपको यहाँ से 200 का ले लेना है और यहाँ पे आपको RGB या CMYK के भी रख सकते हैं, तो फिलहाल अभी मैं RGB रखता हूँ। और यहाँ से कॉन्टेंट्स में आपको वाइट सेलेक्ट करना है, ओके प्रेस करना है। यहाँ पर आपका विजिटिंग कार्ड का साइज आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली शेप टूल में जाके आपको यहां से एक एरो की आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहां से आप इस प्रकार से एरो फाइंड कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से आपको यहां पे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ होने के बाद यहां पर आप देख सकते हो आपको एक और शेप टूल लेना है जिसको कि रेक्टेंगल टूल कहते हैं। यहां पे ऊपर में इसके ऊपर थोड़ा सा आपको इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है, एक तरीका से इतना सा मोटा सा बॉर्डर। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको नीचे कर देना है और यहाँ पर एक गाइडलाइन लगा देना है। गाइडलाइन लगाने का तरीका यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रूलर बार में आपको यहाँ से खींचते हुए नीचे आएंगे तो एक गाइड लग जाएगा। उसके बाद इस तरीका से आपको गाइड को सेट कर देना है और इस एरो को यहाँ पे बीच में हमें रख देना है। अब इसका यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा, उससे पहले कंट्रोल टी करके इसको साइज यहाँ पे मैं फिट कर दिया इसको, और LYB करेंगे तो यहाँ पर आप इस लंबे वाले जो सर्किल है उसका यहाँ पे कलर मैं रेड कलर से करके इसको येल्लो कलर में सेट कर देता हूँ। अब येल्लो कलर होने के बाद यहाँ पर उसको ऊपर करेंगे। अब नीचे वाले को यहाँ पे ब्लैक ही रहने देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऊपर कर देना है। ऊपर करने के लिए आपको यहाँ पे अभी लेयर में हम आपको बताएंगे कि किसी भी लेयर को कैसे ऊपर किया जाता है। तो फिलहाल मैं विंडो में जाकर लेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप दोनों लेयर को आप देख सकते हो, आपको दोनों लेयर्स में आपको ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसका एक कंट्रोल जे करके एक कॉपी बना लिया हमने और उसके बाद यहाँ से रस्टराइज कर दिया राइट क्लिक करके। और आपको यहाँ पे क्या करना है, लेयर स्टाइल में जाके कलर ओवरले, इसका कलर यहाँ पे सबसे पहले आपको चेंज कर देना है। और चेंज करने के बाद यहाँ पे एक डार्क ब्लू कलर ले लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अब यहाँ पे इस वाले साइड को साइज में इधर साइड वाला जो है लेफ्ट साइड वाले को सेलेक्ट करेंगे मैजिक वन टूल की मदद से, और कंट्रोल शिफ्ट आई करके इसको डिलीट कर दिया तो बाकी एरिया आपका डिलीट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है कि ये जो एरो है छोटा सा, इस एरो को सेलेक्ट करके इसके ऊपर में यानी कि रख देना है, यानी कि सबसे इसको ऊपर कर देना है, जो आपका ब्लू वाला जो आपका बैकग्राउंड है इसको ऊपर करने के बाद इसको ये जो एरो है इसको थोड़ा सा एरो कीबोर्ड में डाउन एरो की लेफ्ट एरो की मदद से इसको साइड कर दिया। और LIC के लिए यहाँ पे एक लोगो यहाँ से फाइंड कर लिया हूँ, तो यहाँ से कॉपी करने के बाद या तो आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद यहाँ से डेस्कटॉप में हम चले जाते हैं और ये हमारा LIC का ये लोगो है। इस लोगो को सिंपली आपको यहाँ पर फोटोशॉप में ओपन करने के बाद, ये PNG डाउनलोड हुआ है तो इसको मूव टूल्स की मदद से यहाँ पे आपको ले आना है Ctrl+C Ctrl+V करके, और उसके बाद यहाँ पे इसको इस प्रकार से छोटा कर लेना है और एक यहाँ से छोटा सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसका कलर यहाँ पे मैं अभी इसका चेंज करने वाला हूँ, तो इसको इस प्रकार से यहाँ पे पहले सेट कर लेना है और यहाँ पे इस शेप पे क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे कलर का पैनल खुलेगा और इस प्रकार से कलर आपको सेट कर देना है। आप इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जिधर आपको चाहो तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, मैं भी थोड़ा सा सेंटर कर दिया हूँ तो अब यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। और यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे कंपनी सॉरी यहाँ पे एजेंट का नाम लिखना है, इसका यहाँ से फॉन्ट छोटा कर लूँगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर मैं अपना जैसे कि यहाँ पे एजेंट का नाम और नीचे यहाँ पे लिखा हूँ इंश्योरेंस एडवाइज़र, और उसके बाद आपको सेंटर कर लेना है सबसे पहले, और इसको पहले यहाँ पे साइड में कर दूँगा। और अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके इसे यहाँ पे इस प्रकार से छोटा कर लेना है नीचे वाले इंश्योरेंस एडवाइज़र को, और अभी जो है कि इसका यहाँ पे थिकनेस को रेगुलर कर दिया। अभी इसको थोड़ा सा एडजस्ट कुछ इस प्रकार से कर लेना है, एडजस्ट करके उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इंश्योरेंस एडवाइज़र को थोड़ा सा छोटा बड़ा करके देख लेना है, जो भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप लगा लेना। तो इसको बड़ा छोटा करने का यहाँ पे ऊपर में आपको बता ही दिया। और यहाँ पे हमने रितेश BNK को जगह पे रितेश को येल्लो कर दिया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया इसके नीचे। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हो
कि यहाँ पे LIC का यहाँ पे हमने यहाँ पे गूगल में चला गया और यहाँ पे आपको एक बारकोड अगर आपको लगाना चाहते हो तो बारकोड यहाँ पे आप अपना बना करके दे सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इंटरनेट से कोई भी एक बारकोड रेंडमली लगा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके हमने इस प्रकार से इसे छोटा कर लिया कंट्रोल टी की मदद से और यहाँ पर हमने इसे लगा दिया। अब लगाने के बाद टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ से ये जो एड्रेस ईमेल आईडी वगैरह होती है ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो साइड में इसको कंट्रोल टी की मदद से इसे कॉपी कर लिया हमने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके। कहीं से टेक्स्ट आप लिखे हुए हो तो यहाँ पे आप यहाँ पे कॉपी कर लें वरना आप इसको टाइप कर लें और उसके बाद इसे एडजस्ट करके यहाँ पर आपको नीचे साइड में लगा देना है। साइड में लगाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो इसको सेलेक्ट किया हमने और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको इसको कंट्रोल सी करना है और इसको राइट साइड में इसको सेट कर देना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना है आपको यहाँ पे लोगो वगैरह भी लगाना पड़ेगा। तो अभी इसको पहले इसको लगा लेता हूँ और इसका एक कॉपी बनाऊँगा। कॉपी बनाने के बाद यहाँ पर इसमें मैं जैसे कि अगर किसी का वेबसाइट होती है तो वेबसाइट वगैरह भी दे सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर वेबसाइट अपना यहाँ पर कोई भी वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट का यहाँ पर लिंक आप यहाँ पर लिख सकते हो और इसको यहाँ से सेंटर में इसको एडजस्ट करके कुछ इस प्रकार से आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसका कलर को भी शायद वाइट करना है, तो लेयर में जाएंगे कलर ओवरले, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे रेड कलर ऑटोमेटिक सेलेक्ट है तो इसको वाइट करके ओके कर देना है, यहाँ से भी ओके। उसके बाद आप यहाँ पे साइड्स में क्या होती है कि इसे इसका ईमेल आईडी हो गया या कॉन्टैक्ट हो गया इन सभी चीज़ों का मुझे लोगो लगाना है, तो सिंपली आपको गूगल में जाएंगे आप यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड हो गया यहाँ पे लोगो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको सेट करके मैंने इंटरनेट का लोगो लोकेशन का भी मैंने कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कॉल्स का हो गया और यहाँ पर आपको जीमेल्स का भी लगा देना है, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे तीनों लोगो लगा दिया जिससे कि आपका ये प्रोफेशनल लगे। उसके बाद क्या करना है इसको सिंपली यहाँ से आपको सेव कर लेना है, तो मैंने एक फोल्डर बनाया और यहाँ से इसको सेव कर दिया इसको PSD में ताकि इसको चेंज हम कर सके। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंपली यहाँ पे इसका एक कॉपी बना लिया मैंने और कॉपी बनाने के बाद सिंपली इन सभी चीज़ों को क्या करना है आपको हाइड नहीं करना है, आपको वाइट बैकग्राउंड को इसको अनलॉक कर देना, डबल क्लिक करेंगे ओके करेंगे अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद इसको सबसे ऊपर की ओर कर देना है और यहाँ पर ये जो लोगो था इस लोगो को भी सबसे ऊपर करना है, तो यहाँ पे LIC को यहाँ पे सेंटर कर देना है। कंट्रोल टी की मदद से इसको जितना बड़ा छोटा करना चाहते हो, सिंगल ये रहेगा, ये दूसरे साइड का हो गया बैक साइड का। उसके बाद क्या करेंगे कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से आपको एडजस्ट कर लेना है ऊपर में। उसके बाद जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली इसे सेव कर लेना है और इसका यहाँ पे आप यहाँ पे फोल्डर हमने सेलेक्ट कर लिया LIC का और यहाँ से इसको यहाँ पे फाइल नेम भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट आपको जब भी सेट करना है TFT करना है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे पीछे और फ्रंट का दोनों का हमारा यहाँ पे विजिटिंग कार्ड बनके तैयार हो चुका है।